गुड मॉर्निंग स्टैंडर्ड 5 एनजे ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आपको वॉल्यूम का क्वेश्चन नंबर 7 बताने वाली हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 ये मैंने आपको होमवर्क में दिया था, पर ये आपसे बना या नहीं बना ये तो मैं नहीं जानती, पर मैं इसे बताने वाली हूँ क्योंकि क्वेश्चन नंबर 7 इसमें रेशियो बताना है। एक वाइट मेजर 48 मीटर बाय 32 मीटर बाय 24 मीटर एंड ईच एज ऑफ ए क्यूब मेजर्स 16 m, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स। अब देखिए, इसमें सबसे पहले बनाने का तो प्रोसेस वही है। सबसे पहले मैं यहाँ क्यूबॉइड का काम करूँगी क्योंकि क्यूबॉइड आपको कह रहा है 48, 32 and 24 मीटर। अब इसे हम यहाँ पर लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड इक्वल टू एल इंटू बी इंटू एच, ओके, लेंथ ब्रेथ और हाइट, ये मल्टीप्लान आ गया एल इंटू बी इंटू एच। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको अरेंज करेंगे। आपका जो नंबर दिया हुआ है 48 मीटर 32, लेंथ आपका 48, ब्रेथ आपका 32 एंड हाइट आपका 24, ये CUM है। अब देखिए इसको क्या करेंगे, 48 को 32 से मल्टीप्लाई करेंगे और 30 इसका जो डिजिट आएगा उसको फिर हम 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा यहाँ पर आ जाएगा 36,864 यानी 36864 CUM। अब आप यहाँ पर देख लीजिए, एक बार फिर ध्यान दीजिए, वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड, पहले क्यूबॉइड का काम करेंगे L into B into H, उसके बाद इसको अरेंज करेंगे L के नीचे 48, ध्यान रहे हमें सीधे सीधे बनाना है, नहीं तो डिजिट आगे पीछे करने से फिर दिक्कत हो जाती है, आप इसको फिर समझ नहीं पाते हैं। तो 48 को 32 से मल्टीप्लाई करेंगे और 32 को 48 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारा डिजिट आएगा उसे हम 24 से मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद हमारा यहाँ पर बगल में आप रफ करेंगे, जैसा कि हम बताते जा रहे हैं आपको कि जब भी कोई भी काम करें तो साइड में रफ करना नहीं भूलें, सब इस पर यहाँ पर रफ करेंगे। रफ करने के बाद फिर आप यहाँ पर क्यूब का काम करेंगे, रफ करने के बाद फिर क्यूब का काम करेंगे। क्यूब का आपका फॉर्मूला हो गया वॉल्यूम ऑफ द क्यूब साइड इनटू साइड, ओके, साइड इनटू साइड। आपका साइड कह रहा है, क्यूब आपका कह रहा है मिसिंग 16a, तो साइड के नीचे इसको अरेंज करेंगे 16 into 16 into 16, ये भी हो जाएगा CUM। अब आप देखिए इसको क्या करना है, 16 को 16 से मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद जो डिजिट आएगा उसको फिर 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा यहाँ पर डिजिट आ जाएगा 4096 यानी 4096। इसको साइड में यहाँ पर आप रफ कर करके बनाते जाएंगे, ओके। फिर आप देखिए यहाँ पर लास्ट में कह रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम, आपको रेशियो का वॉल्यूम निकालना है। अब देखिए इसको क्या करना है, द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम यह लिखने के बाद हम क्या करेंगे, इस डिजिट को ऊपर रखेंगे, इस डिजिट से डिवाइड करेंगे, ठीक है, 36864 को 4096 से यह डिवाइड करेंगे। उसके बाद क्या हो जाएगा, ये 9 times में कट जाएगा। अगर आप इसको डिवाइड करके बनाना चाहते हैं तो डिवाइड करके बना सकते हैं, और अगर नहीं तो इसे 4096 को वन साइड में यहाँ काटेंगे, एक बार में यहाँ कटेगा, 4096 बन जा या 9 जा 4096 9 जा 36864, ये आपको 9 times में कट जाएगा और ये यहाँ वन हो जाएगा यहाँ। तो अब देखिए इसमें से इसका रेशियो निकल जाएगा 9:1, ये आपका आंसर हो जाएगा। एक बार फिर इसको ध्यान दीजिए क्योंकि इधर उधर से आवाज़ें आती हैं जिसके कारण आप लोग पता नहीं समझे या नहीं समझे, एक बार फिर से आप इसको देख लीजिए, समझ लीजिए। वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड बनाएंगे एल इंटू बी इंटू एच इक्वल टू 48 into 32 into 24 CUM, ओके। फिर हम इसको एक दूसरे से मल्टीप्लाई करके यहाँ डिजिट लाएंगे 36864, ये CUM दिखाएगा। उसके बाद यहाँ वॉल्यूम ऑफ द क्यूब क्यूब का निकालेंगे साइड इंटू साइड, फिर साइड के बाद यहाँ साइड के नीचे डिजिट भरेंगे, 16 को 3 times लिखेंगे 16 into 16 into 16 CUM,
अब क्या करेंगे, 16 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद जो डिजिट आएगा उसको फिर 16 से मल्टीप्लाई करेंगे। इस तरीके से मल्टीप्लाई करने से हमारा डिजिट आ जाएगा 4096। से यू एम साइड में रफ करते जाएंगे कॉपी में। द रेशियो ऑफ दियर वॉल्यूम, अब यहाँ रेशियो निकालना है, इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, 4096 से 9 टाइम्स में ये आपका डिजिट कट जाएगा, यानी इसका क्यूबाइड का जो आंसर आएगा इसको आप क्यूब के आंसर से आप डिवाइड करेंगे और काटने के बाद इसका आंसर निकालेंगे, रेशियो इक्वल टू 9:1 आंसर, ये आपका आंसर आ जाएगा। नीचे 1 लिखिएगा और यहाँ 9 लिखिएगा, इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। और कोई दिक्कत नहीं है, आराम से बनाइए 2, 4, 5, जब तक आपको अच्छे से बनाने के लिए नहीं आ जाता है तब तक आप इसको अच्छे से बनाते रहिए। ओके बच्चों, फिर मैं आपको दूसरे मैथ के साथ, याद रखिए एक बिल्कुल इजी है वो आप बना लेंगे, इसलिए जो इजी लगे बुक में उसको आराम से आप बनाते जाइए, जो डिफिकल्ट है उसको मैं यहाँ से बना करके आपको भेजती हूँ। ध्यान रहे और आराम से आप लोग घर में हैं, सुरक्षित हैं, सुरक्षित रहिए और घर में आराम से मैथ बनाइए, आराम से खाइए पीजिए, आराम कीजिए और साथ साथ पढ़ाई भी करते जाइए। ओके बच्चों, बाय।